जय श्री हरि। बंधुओं, बहुत दिनों के पश्चात आज चलचित्र बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी परीक्षाएं चल रही थी, मैंने चलचित्र बनाया भी था, किंतु उसमें ध्वनि में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिस कारण मैं उसको नहीं डाल पाया यूट्यूब पर। आज मैं आपको बताता हूं कि भोजन बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यदि भोजन बीच में छोड़कर जाएं तो पुनः आकर उसी भोजन को न खाएं। इसे आपको मैं शास्त्रानुसार ही बताऊंगा। हमने देखा है कि लोग बीच में भोजन छोड़कर चले जाते हैं, पानी लेने के लिए जाना हो, दरवाज़ा खोलने जाना हो, कोई अन्य कार्य याद आ जाए, मोबाइल फोन आ जाए, किसी भी कारणवश लोग बीच में भोजन छोड़ के चले जाते हैं और पुनः आते हैं, उसी भोजन को ग्रहण करते हैं। इससे पाप लगता है बंधुओं, ऐसा पाप लगता है कि नरकगामी होना पड़ता है। अतः बंधुओं, यह असावधानी पुनः न बरतें, इस बात का ध्यान रखें। मैं मानता हूँ कि भोजन विषय अनेक नियमों को लागू करना कठिन होता है। आजकल कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, इन सब में कठिन होता है, किंतु इस नियम का अवश्य पालन करें कि भोजन यदि आप प्रारंभ आपने यदि कर दिया है तो उस भोजन को बीच में छोड़कर न जाएं, और यदि चले जाएं तो पुनः उसी भोजन को आकर ग्रहण न करें। आज मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व अध्याय 3, आइए देखते हैं। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे, अर्थात बार बार छोड़ छोड़ कर भोजन न करे। एक बार बैठकर तृप्तिपूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। राजा शतानीक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए, उसने कैसे भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ? सुमंत मुनि ने कहा, राजन सत्ययुग की बात है, पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्यदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब वह बाहर पहुंचा वह आवाज़ बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। बंधुओं, आपको बताया भविष्य पुराण से, अब आप सभी लोग ध्यान रखें, इसका पालन अकेले होना कठिन है, घर के सभी सदस्यों को इसमें सहयोग करना चाहिए। यदि कोई एक व्यक्ति भोजन कर रहा हो घर में तो अन्य लोगों को उसके कार्य को संपन्न करना चाहिए, अन्यथा कुछ दोष तो आपको भी लगेगा। जैसे घर की बहुएं हैं अथवा कोई व्यक्ति है जो भोजन कर रहा है और अचानक उसका फोन आ जाए या फिर उसे कोई बाहर बुलाने आ जाए, तो उस व्यक्ति के बदले जो भोजन कर रहा है कोई और वहाँ चला जाए, जिससे कि उसे इस पाप को झेलना ना पड़े, इस पाप के नरक को झेलना ना पड़े। अतः बंधुओं, इस विषय में ध्यान रखिएगा कि भोजन यदि आप करें तो तभी करें जब आपके पास समय हो, कोई बीच में ना आए 10-15-20 मिनट, और यदि कोई बीच में आ जाए अथवा ऐसा कोई अन्य कार्य आ उपस्थित होए तो उसके स्थान पर किसी और को भेजें। आप वह भोजन छोड़कर पुनः आकर उस भोजन को ग्रहण न कीजिएगा, नरकगामी है। धन्यवाद। जय श्री हरि।